हमारे नौजवान जो है हर एक का अंदर उसके पास ही है, ऐसा ना नहीं समझना कि कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी भी सोचना नहीं। हमारा यूथ, हमारे यंगस्टर्स, हर वो चीज मुमकिन है, बस हमारे कोशिश होना चाहिए। हमारे नौजवान नतन गैर गलत चीजों में मुबतला हुए बगैर स्ट्रीट एक्टिविटीज में हिस्सा ले, इसमें अपना दिमाग भी लड़ाए और जिस्म भी बनाए और सेहत भी बनाए। हमारे पास हमारे मोहल्लों में खेल बनेगा, ये पार्क, पार्क आबोहवा, पार्किंग का इंतजाम, ये फैसिलिटीज ये हासिल करने के लिए सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर फिर मुख्तार होना, बेदार होना, हुकूक को हासिल करने वाली एक की लड़ाई और तहरीकों का साथ देना, ये सब बहुत जरूरी चीज है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी है, हमारे नौजवानों को हर किस्म का, हर इंडिया का हर एक आदमी को एम्पावर करना चाहता है, यानी हर एक इंडियन फिजिकली फिट हो, सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली स्ट्रांग हो, तो इस देश भी आगे बढ़ता है। तो बोलते डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पोलिटिकल पार्टी के नाते एक कमिटमेंट है हमारा, हर एक हमारा इंडियन, हर एक हमारा नौजवान फिजिकली मेंटली फिट हो, तो उसलिए अलग अलग प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। इसके साथ साथ मुसलसल एक कोशिश है हमारे नौजवान को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, इन तमाम चीजों के ऊपर हम लोग फोकस कर ले रहे हैं। में भी इसी तरह का परिवार वगैरह जहाँ हमारे बच्चे भी और बच्चियाँ भी वहाँ मुख्तलिफ गेम्स में पर्दे में वहाँ खेल सकते हैं, इस तरह से इंशाल्लाह निजाम तैयार करके मौका फराहम किया जाएगा। मैं खुशियों डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जश्न आज़ादी के उनवान से यहाँ इस वक्त ये टूर्नामेंट आयोजित किया है। ये जो स्पोर्ट्स का स्प्रिट है, कल्टी कॉम्पिटिशन है, इसकी बहुत बड़ी कमजोरी और कमी हमारी कम्युनिटी में हम देखते हैं, चाहे वो तालीम मैदान में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान में हो, चाहे वो बिजनेस के मैदान में हो, बहुत कमी है हेल्थी कॉम्पिटिशन की और स्पोर्ट्स की। सलाम हारे हैं उनके लिए भी सलाम, अल्लाह सबको मुबारक करना। SDPI चामराज पेट असेंबली के मीटिंग की जानिब से आज जो इंडिपेंडेंस डे का, इंडिपेंडेंस कप का क्रिकेट टूर्नामेंट का एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं। साथियों देखिए, हमारे तो जिंदगी जो है 60 से 70 साल जो एवरेज हम देखेंगे, ये जिंदगी छोटी है, खुशी के साथ, सेहत के साथ रहना है, तो हमारा मेंटली और फिजिकली हम लोग फिट रहना चाहिए। जो स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स हम लोग को मेंटली और फिजिकली हमना फिट रखता है। ये जो स्पोर्ट्स का स्प्रिट है, हेल्थी कॉम्पिटिशन है, इसकी बहुत बड़ी कमजोरी और कमी हमारी कम्युनिटी में हम देखते हैं, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान में हो, चाहे वो बिजनेस के मैदान में हो, बहुत कमी है हेल्थी कॉम्पिटिशन की और स्पोर्ट्स क्रिकेट की। और ये ड्रग्स और नशे की जो चीजें के बारे में बताया, इसके ताल्लुक से एक बहुत बड़ा ट्रेन की जरूरत है, और स्पोर्ट्स के ताल्लुक से इंडोर और आउटडोर हमारे पास एक ऐसा एक प्रोग्राम बनाने की जरूरत है
एसडीपीए की जानिब से असेंबली लेवल पर ऐसे अलग अलग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन मोहाला की तरफ से रनिंग कॉम्पिटिशन, जंपिंग कॉम्पिटिशन, इसका भी इशारा मिला है। बहुत जल्द हम इसकी तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारे मोहल्लों में खेल का मैदान, ये पार्क, पार्क आबोहवा, पार्किंग का इंतजाम, ये फैसिलिटीज, ये हासिल करने के लिए सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर खुद मुख्तार होना, बेदार होना, हुकूक को हासिल करने वाली एक लड़ाई और तहरीकों का साथ देना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। हमारे नौजवान नस्ल गैर गलत चीजों में मुबतला हुए बगैर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लें, इसमें अपना दिमाग भी लड़ाएं और जिस्म भी बनाएं और सेहत भी बनाएं। अल्लाह करे कि हमारी ये जो सोच है, इस सोच को अल्लाह कबूल फरमाए कि हमारे नौजवान मुख्तलिफ क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इसी तरह वॉलीबॉल हो और दूसरी जितने भी सेहत बनाने वाले गेम्स हैं, तो इनके खेलने में किसी तरह की ममानात नहीं है। तो आज का जो स्ट्रेस का जो जिंदगी है, बिजी लाइफ है, तो इस लाइफ के दरमियान रिलैक्स होना, माइंड फ्री होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी क्रिकेट जो है हम लोग, क्योंकि बहुत सारे टीमों के साथ हम खेलते हैं, इसमें फ्रेंडशिप होता है, हमारे माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है, रिलैक्स होता है। यानी बोलने का मतलब यह है, इसकी वजह से हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर होता है। उसके साथ साथ हमारे नौजवान जो है, हर एक का अंदर वो कैपेसिटी है, ऐसा ना नहीं समझना कि कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी भी सोचना नहीं। हमारा यूथ्स, हमारे यंगस्टर्स, हर वो चीज मुमकिन है, बस हमारे कोशिश होना चाहिए। क्रिकेट में आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल तक जा सकते हैं, मगर मुसलसल कोशिश करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस सही रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये टूर्नामेंट आप लोगों को आइंदा आपका जिंदगी में आपका स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए एक बेहतरीन मौका दे। और एक बार तमाम जितने भी लोग, जितने भी हमारे नौजवान इस स्पोर्ट्स पे जो पार्टिसिपेट किए हैं, उनको मुबारकबाद देते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी ये है हमारे नौजवानों को हर वो किस्म का, हर इंडिया का हर एक आदमी को एम्पावर करना चाहता है। यानी हर एक इंडियन फिजिकली फिट हो, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली स्ट्रांग हो, तो इस देश भी आगे बढ़ता। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते एक कमिटमेंट है हमारा, हर एक हमारे इंडियन, हर एक हमारा नौजवान फिजिकली मेंटली फिट हो, तो उसलिए अलग अलग प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। इसके साथ साथ मुसलसल एक कोशिश है हमारे नौजवान को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, ये तमाम चीजें के ऊपर हम लोग फोकस कर ले रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से होता है, वहां से बहुत सी सहूलियत आती है, उसके ताल्लुक से हमें मालूम होना है। चाइल्ड एंड वुमन बोलकर एक डिपार्टमेंट है, उससे हमें फैसिलिटीज हासिल करना है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा बजट है, ऐसे डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेदारी नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से कभी कभी हम बहरे और अंधे बन जाते हैं और ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। ये स्पोर्ट्स बहुत उमदा हमारा एक शक्ल है, इससे समाज बनता है, ताकत इकट्ठा होती है और कंपटीशन के लिए तैयारी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर आइंदा दिनों में भी ऐसे अलग अलग मौकों को ऑर्गेनाइज करेंगे। और खसूसियत के साथ मोहल्ला का इशारा जो वुमन और गर्ल्स के लिए है, बहुत जरूरी है। हमारी घरेलू औरतें एक तो पर्दे में रहती हैं और दूसरा पकाने और धोने के अलावा उनको कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। पूरी औरतें फोन लेकर बैठ गई हैं, गेम्स और सीरियल में उनका पूरा टाइम खत्म हो रहा है। दुनिया कहाँ है, फैशिज्म कहाँ है, मुल्क का सेक्युलरिज्म कहाँ जा रहा है, कौन सी स्कीम हमारे फेवर में है, कौन सी बिल हमारे अगेंस्ट में आ रहे हैं, कोई उनको जानकारी नहीं है। ये तमाम चीजों के ताल्लुक से उनको एक माहौल देना, उनको एनवायरमेंट देना, ये अंजुमनों की, जमातों की, मुदब्बिरीन की और पार्टियों की जिम्मेदारी है।
इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ौजा अपनी चहेती बीवी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ भी दौड़ लगाया था। एक मरतबा जब दौड़ लगाए तो अम्मा आयशा पहले नंबर पे आ गई और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पीछे रह गए। उन दिनों के बाद या चंद सालों के बाद एक और मौका आया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया अब दौड़ लगाए। कहा ठीक है। उस वक्त अम्मा आयशा जरा मोटी हो गई थी, पीछे रह गई, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आगे निकल गए। तो कभी हार भी है तो कभी जीत भी है। मेरे आका ने मुझे तालीम दी है कि इस तरह के मैचेस में हार जीत एक हिस्सा है। जीतने वाली टीम बस फखर से तकब्बुर से अपने हाथ को आसमान पे ईसर करके न चले बल्कि जमीन के नीचे देख करके चले। और जो हार गए हैं वो भी बिल्कुल अपने अंदर किसी तरह का एहसास कमजोरी को मौका आने ना दें बल्कि और भी अच्छा से खेलते हैं। यहाँ हारने और जीतने से ज्यादा यहाँ इज्जत और अपने आप को इन कामों में लगाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो आप कभी दौड़ रहे हैं 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर इसका भी मुकाबला रखें, कुछ क्रिकेट भी का मुकाबला रखें तो हो सकता है कि जरा इधर थोड़ा, लेकिन यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, भागने में नंबर वन कौन आते हैं। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाया था इसका भी आप रनिंग रेस जिसे कहते हैं एहतमाम करें। मैं सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जश्न आजादी के उन्वान से यहाँ इस वक्त ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है ताकि हमारे बच्चों में गलत चीजों की आदत पड़े मगर भागने सेहत बनाने और इसी तरह के मुख्तलिफ एक्टिविटीज में अपने आप को मुनहमिक रहने के लिए कोशिश की है। अल्लाह हमारी इन कोशिशों को उसकी बारगाह में कबूल फरमाए और ये जो नशे है जिना है और गैर गलत ताल्लुकात हैं इन सारी चीजों से उम्मत के हर बच्चे को हर नौजवान को बेटी को बहन को बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें डिफीट और लॉस और हार का कोई सामना नहीं है। दो कदम तो आप सामने चले गए हैं, दो पैरी तो आप ऊपर चढ़ गए हैं और ये जो छोटे छोटे चीजें हैं आइंदा दिनों में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को, एक असम्बली से दूसरे असम्बली को, एक मस्जिद के अंदर में आने वाले मुसल्लियों को दूसरे मस्जिद के मुसल्लियों में इस तरीके का एक कॉम्पिटिशन चलाकर हम ये मैदान को हमेशा के लिए हरा भरा रख सकते हैं। इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे। शुक्रिया।